Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, in the last class I taught you the recognition rules, the sentences of voice, passive voice from present perfect tense. Okay friends, today I am going to teach you the recognition rules for passive sentences from past and definite tense. Okay friends, so let's start the class of the day. फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आने लग गया होगा या आप समझ भी चुके होंगे कि कन्वर्सेशनल वॉइस क्या होता है. मीन्स मैंने शुरू में बताया था कि कन्वर्सेशनल वॉइस आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं. तो कन्वर्सेशनल वॉइस होता क्या है, ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा कि कन्वर्सेशनल वॉइस कौन सी बुक में देखो ढूंढू, नहीं मिलेगा. बस मैंने ये तैयार किया है कि हम बातचीत करते वक्त जिस वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से, जिस वे में हम पैसिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कन्वर्सेशनल वॉइस बोलते हैं. मैंने नाम दिया है, ठीक है, ये गलत भी नहीं है, ठीक है. तो आज हम सीखेंगे कि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के पैसिव सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे और उसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं ये इंग्लिश वीडियो. कीर्तन, रीड दिस बुक. रीड. योर हाउस इज स्मॉल, दैट इज योर डग. वेरी गुड. हैवंट यू डन योर टीथ येट? गो एंड ब्रश योर टीथ. ओके. And you, Viraj? Why do you look so shabby? How nasty of you! Haven't you done your hair yet? Go and brush up your hair. Okay? Yes. When I was your age, I used to be all ready before the sun rises. But Grandma says that you are a late riser. What nonsense. Get up. Go and brush up your hair. Why are you so harsh to these kiddies? Oh, I am sorry, dear. But why do you put a long face? What's matter with you? Why making face like this? Do you ever regard our wishes? What have I done, dear? Why do you deprive us of your company? What gives you the right to be away from home? Oh, I see. I am sorry, dear, but now I won't. Let's go to watch movie this evening. Won't you, dear? Oh, how good you are. Really, we are going to watch movie today? Yes, we are going today. Yes, really. Or Kirtan, let's go to the watch movie, okay? Let's go to watch movie this evening, okay? Let's go. Okay friends, शुरू करते हैं. मैंने पहले से लिख कर रखा है past indefinite tense. Past indefinite tense के वह देखो, verb के बाद गया, गए, गई, ये सब अगर ऐसा आया verb के बाद, आप इतना याद रखना, ये आपको समझना है कि ये verb के बाद आने वाली चीज बताई जा रही है, न कि वो पटना गया तो आप बोलना कि इसमें भी तो लास्ट में गया आया है, फिर ये पैसिव सेंटेंस हो गया क्या. नहीं, मैं ये चीज बता रहा हूं कि वर्ब के बाद अगर ऐसा भी आएगा कि वह खेलने गया तो दिस इज द टेंस एक्टिव सेंटेंसेस. दिस इज द एक्टिव सेंटेंसेस. आपको ये भी पहचानना है, मीन्स आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कि ये कैसे, आपको समझना है बस. मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा फॉर्मूला लिखा हूं कि किस तरह से समझा जाएगा, इसलिए मैं वैसे सेंटेंसेस का भी उदाहरण दे रहा हूं जो इससे मिलते जुलते हैं. जैसे वो पटना गया, पटना खेलने गया, वो पटना क्रिकेट खेलने गया, तो आप बोलेंगे कि इसमें गया से पहले खेलने, यानी वर्ब आ रहा है, तो ये पैसिव सेंटेंस हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसमें वह दिया है, वह यानी कि सब्जेक्ट, उसका डायरेक्ट संबंध वर्ब से हो रहा है, यानी क्रिया से हो रहा है, कौन
पटना गया है खेलने के लिए, वो आ गया है, जैसे राम पटना गया खेलने, खेलने पटना गया, तो राम गया है, यानी कि राम इज द सब्जेक्ट और गया इज द वर्ब, तो उस दोनों का डायरेक्ट संबंध है, सब्जेक्ट से वर्ब का डायरेक्ट संबंध हो रहा है, तो दिस इज एक्टिव सेंटेंस, इसको आप पैसिव मत समझना, ठीक है फ्रेंड्स। जब इंट्रांजेक्टिव हो, आपने, मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है कि ट्रांजेक्टिव और इंट्रांजेक्टिव सेंटेंस क्या होता है। जब इंट्रांजेक्टिव सेंटेंस की हम बात करें, जैसे उसे धोखा दिया गया, उसे धोखा दिया गया, या उस पेड़ को काट दिया गया, या उसे जान से मार दिया गया, मार दिया गया, धोखा दिया गया, काट दिया गया, ये सब बोल तो रहे लेकिन एक किसने किया वो चीज नहीं बोल रहे हम, तो दिस इज द इंट्रांजेक्टिव सेंटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं, अभी ये पहचानने के लिए हम गया, गए, गई, और सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब वी थ्री प्लस अदर्स, उसे जान से मार दिया गया तो ही वॉज किल्ड, ही वॉज किल्ड। अब ये सुनने में पता लगता है कि ही वॉज किल्ड, लेकिन दिस इज द पैसिव सेंटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। ही वॉज किल्ड, हवाई दुर्घटना में 60 लोग मारे गए तो 60% वर किल्ड इन एयर क्रैश, 60% वर किल्ड इन एयर क्रैश, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत इजी है। उस पेड़ को काट दिया गया, दैट ट्री वॉज कट। अब ये सुनने में जो मतलब सीखने वाले लोग जो है वो काफी मुझसे सवाल पूछते हैं, सर दैट ट्री वॉज कट, ये गड़बड़ नहीं लग रहा है, थोड़ा उल्टा सीधा नहीं लग रहा है, आई वॉज चीटेड, थोड़ा गड़बड़, मतलब कि गड़बड़ कुछ नहीं लग रहा है, आप पहली बार ऐसा सुन रहे हैं, इसके लिए आपको नया नया जैसा लग रहा है, इसलिए अटपटा लग रहा है, बट आप इसको बोलने लगे जाएंगे तो आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे और फिर आपको बिल्कुल ही नॉर्मल लगेगा, बोलने में कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि गड़बड़ तो नहीं बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये ठीक है, ये सही है, दिस इज द राइट वे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम कुछ और सेंटेंसेस के द्वारा कुछ और ज़्यादा समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कम, मुझे सूचित नहीं किया गया, दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस, मुझे सूचित नहीं किया गया, मिस आई, मुझे मिस आई, आई वॉज नॉट इनफॉर्म्ड, ठीक है फ्रेंड्स। अपराधियों को कब सजा दी गई, मीन्स जितने भी अपराधी थे उनको कब सजा दिया गया, अपराधियों को, अपराधी इज द सब्जेक्ट, ए क्रिमिनल्स, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड है, तो व्हेन वर द क्रिमिनल्स सजा दिया गया, मीन्स पनिश्ड। क्या उसे निमंत्रित किया गया, मीन्स बोलते ना क्या उसको इनवाइट कर दिया तुमने, क्या उसे इनवाइट कर दिया गया, या क्या उसे इनवाइट कर दिया, तो निमंत्रित मतलब इनवाइट होता है, इनवाइट करना, क्या उसे, तो वॉज ही इनवाइटेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से बना जाएगा, ये जो है ज्यादातर हम बोलचाल में इसी तरह का सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, वॉइस के, हम ये नहीं इस्तेमाल करते हैं कि आम राम के द्वारा खाया जाता है, इस तरह का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं कि उन लोगों के द्वारा पेड़ काट दिया गया, ऐसा हम ज्यादातर बोलचाल में इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम ज्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं कि अरे उन पेड़ों को काट दिया गया, सभी पेड़ काट दिए गए, तब किसी ने पूछा कि किसने काटा, तब हम बताएंगे कि उन लोगों ने काटा, हम ऐसा बोलचाल में नहीं बोलते हैं कि मेरे द्वारा दूध पी जाती है, ऐसा नहीं बोलते, मतलब दूध पीता हूँ, अगर हम वॉइस का सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं तो ये दूध पिया जाता है, मिल्क इज ड्रंक, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे जो आपको बोलचाल में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और जिसका जो आपको समझना पड़ेगा, मीन्स मैंने समझने का फॉर्मूला पहले लिखवा दिया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो वर्ब के बाद गया, गई, गए, इस तरह से आएगा तो समझ लेना कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें भी फिर से वही बात कि वह खेलने गया,
तो अगर खेलने गया आप बोलेंगे कि खेलने के बाद अगर गया आ रहा है, मीन्स वर्क के बाद गया आ रहा है, तो फिर ये पैसिव है क्या? नहीं सर, ये पैसिव नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि अगर सब्जेक्ट का डायरेक्ट संबंध वर्ब से होता है तो वो पैसिव नहीं हो सकता, वो एक्टिव सेंटेंस है। वह खेलने गया, कौन खेलने गया? वो खेलने गया, तो वो संबंध है, बिल्कुल वर्ब से उसका डायरेक्ट संबंध जुड़ा हुआ है, इसलिए वो एक्टिव सेंटेंस होगा, पैसिव नहीं होगा। और अगर इसमें हम बोलते हैं कि अपराधियों को कब सजा दी गई, क्या उसे निमंत्रित किया गया, उसे निमंत्रित किया गया या उसे मार दिया गया, तो उसे मार दिया गया, उसे से जो मार देने वाला वर्ब है वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है। मीन्स मारा किसी और ने है, उसे मारा गया है, लेकिन मारा किसी और ने है, इस तरह के सेंटेंस है। वैसे सेंटेंस में जब वर्ब के बाद गया, गए, गई इस तरह का आएगा तो आप समझ लेना कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये चारों टेंस मैंने अभी तक बताया, फिर आगे और भी बताऊंगा। और सबके मैं पहचान के नियम भी बता रहा हूँ, और पहचानने के नियम मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक लड़के ने मुझसे बहस कर दिया था कि सर वह खेलने गया, वो भी तो वर्ब के बाद आ रहा है। फिर उसको मुझे समझाना पड़ा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का डायरेक्ट संबंध वर्ब से नहीं होता है। वह खेलने गया तो वो खेलने गया है, मीन्स वह सब्जेक्ट भी मौजूद है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो भी दिया हुआ है, तो एक्टिव सेंटेंस होता है, पैसिव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फुटबॉल खेला गया या मैच जीत लिया गया, मैच जीत लिया गया, दिस इज द पैसिव सेंटेंस, क्योंकि किसने जीता मैच नहीं पता, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है और उसका डायरेक्ट संबंध नहीं, अगर सब्जेक्ट होता भी हो तो उसका डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, तो वह पैसिव सेंटेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।